लोमड़ी और बकरी। एक लोमड़ी बहुत प्यासी थी। घूमते घूमते उसे पानी पीने के लिए एक कुआं नजर आया। लोमड़ी कुएं में गिर गई, जो कि गहरा था। लोमड़ी ने बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसने सहायता के लिए आवाजें लगाई, लेकिन उसे बचने का कोई साधन नहीं मिल सका। कूदते और चिल्लाते हुए लोमड़ी को एक प्यासी बकरी की आवाज सुनाई दी, जो कि उसी कुएं पर आ रही थी। बकरी ने लोमड़ी को देखा और पूछा कि क्या पानी अच्छा है। लोमड़ी बकरी को देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी उदासी को जाहिर नहीं होने दिया। लोमड़ी ने कहा, पानी तो बहुत ठंडा और मीठा है। बकरी मीठे पानी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। लोमड़ी ने बकरी को नीचे आने के लिए कहा। बकरी, जो कि बहुत प्यासी थी, ने बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दी। उसने पानी पिया और लोमड़ी का धन्यवाद किया। लोमड़ी बकरी को गहरे कुएं के अंदर पाकर बहुत खुश थी और उसने बकरी को बताया कि वे कहां से अंदर आई है और अपने बचाव के लिए एक तरकीब भी बताई। लोमड़ी ने बकरी को वचन दिया कि वे गहरे कुएं से बाहर जाकर उसको भी कुएं से बाहर निकालने में मदद करेगी। बकरी मान गई और उसने अपने आगे के पैर दीवार के साथ लगाए और सिर झुका लिया। लोमड़ी जल्दी से भागी और बच गई। लोमड़ी उसकी पीठ पर झपटी। स्वयं को बकरी के सींगों पर टिकाकर मैं सुरक्षित होकर कुएं के मुंह तक पहुंच गई और जितनी जल्दी हो सका भाग खड़ी हुई। जब बकरी ने उसे अपना वचन तोड़ने के बारे में बताया, तो वह पीछे मुड़ी और चिल्लाई, अरे मूर्ख, अगर तुमने इतना दिमाग होता जितने की तुम्हारी दाढ़ी में बाल हैं, तो तुम बिना रास्ते का ध्यान के कभी भी नीचे नहीं आती और ना ही स्वयं को इस खतरे में डालती, जिससे बचने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए।